हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए, मैं आपको कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी, ये देखिए फ्रेंड्स, कॉटन के कपड़े में जो है बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाना सिखाऊंगी। और ये राधे राधे एक एक कपड़े से मैंने बनाई है, और कॉटन का कपड़ा, और इसमें लेसेस यूज़ करी है फ्रेंड्स। ये दो लेस यूज़ करके मैंने चूड़ी बनाई है, ये देखिए बहुत ही प्यारी है। और अगर आप ये लेना चाहते हैं ये लेस, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और स्क्रीन पर भी दे दूँगी। और इस टाइप की अगर आप ड्रेस मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मुझे तब भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि इसका क्या प्राइस है। और आपको फ्रेंड्स, ये मैं बनाकर नहीं रखती हूँ, ऑर्डर पर बनाती हूँ। तो जब आप मुझे ऑर्डर देंगे और आप मेरे को पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद मैं आपकी ड्रेस बनाऊँगी। और ड्रेस बनने में 2 से 3 दिन लगेंगे फ्रेंड्स। यूँ नहीं है कि आज आपने कहा तो कल आपकी डिस्पैच हो जाएगी, तो 2-3 दिन जो है उसको बनने में लगेंगे, और उसके बाद आपकी ड्रेस डिस्पैच होगी आपके पास। तो ये पेमेंट के बाद ही होगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस टाइप की ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हर साइज़ में आपको कस्टमाइज़ करके दूंगी और उसका प्राइस भी आपको बताऊंगी। और मैंने वीडियो में ये ऑल साइज़ में बनाने बताई है, लेकिन आप अगर खुद बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो लेसेस वगैरह लग रही है, अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। ये मेरे पास राधे राधे नाम का कपड़ा था फ्रेंड्स, और ये प्लेन, ये मैंने दोनों को मैच करके मैं ड्रेस बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी। और अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मेजरमेंट मैंने क्या ली है। तो 5 नंबर के कान्हा जी के लिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लेंथ जो है वो 38 इंच ली है दोनों की। और इनकी जो चौड़ाई है, क्योंकि मैंने दो में लगाए हैं, तो ये जो फ्रेंड्स, ये मैंने राधे राधे की जो कपड़ा कट किया था, ये मैंने 2.5 इंच, यानी कि इतना 3 इंच से 2.3 इंच कट किया था, देखिए। और जो ये वाला कपड़ा, ये मैंने 2.5 इंच कट किया था। तो अब ये देखिए, हमने ये दोनों को बीच में से सिला है, और नीचे से मैंने ये पेपर पेस्टिंग भी जो है वो देखिए ये सिली है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे सिली है। तो ये हमारा 1 इंच तो राधे राधे वाला कपड़ा जो है वो यहाँ से स्टिचिंग में चला गया, ऐसे ये भी जाएगा क्योंकि ऊपर इसमें नेफा लगेगा। तो ये देखिए, हमारे पास जो है ये ऑलमोस्ट 4.5 इंच जो है वो बचा हुआ है अभी। तो 4.5 इंच में से जो है 1/2 इंच अभी और ऊपर सिलाई में से जाएगा, तो हमारे पास ये 4 इंच रह जाएगा। तो हमें इतना ही चाहिए। अगर आप एक ही कपड़े का बना रहे हैं फ्रेंड्स ये, तो आप इसको 4.5 इंच कट कीजिएगा। तो ये 5 नंबर के कान्हा जी की मेजरमेंट है फ्रेंड्स। और अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हो, तो 1/2 इंच कम कर दीजिएगा, यानी कि 4 इंच। तो अगर आप एक ही कपड़े के बना रहे हो, तो यानी कि जितनी मेजरमेंट मैं बता रही हूँ, तो उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे हमें चार रेडी चाहिए, तो हम 4.5 कट करेंगे। अगर हमें 3.5 चाहिए, तो हम 4 इंच कट करेंगे। तो ऐसे हमें ये कट करनी है। और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको 3.5 इंच जो है रेडी चाहिए, तो आपको 4 इंच कट करनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको 1/2 इंच नीचे डिक्रीज होते जाना, जैसे जैसे आप छोटे कान्हा जी के लिए जाएंगे, और बड़े कान्हा जी के लिए आपको 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा इंक्रीज होते जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये 4.5 इंच है। तो अगर आप एक ही कपड़े के बना रहे हैं, तो 5 इंच आपको कट करना होगा आप 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए 5.5, और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 इंच। तो ऐसे 1/2 इंच जो है वो आप इंक्रीज करते जाएंगे। और अगर आप ऐसे दो कपड़ों को जोड़ के बनाएंगे, तो आप कोई, जैसे मैंने आपको मेजरमेंट बताई है, तो फिर आपको 1/2 की जगह 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर ये ले लिया। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने चौड़ाई तो बता दी, और लेंथ मैं बता देती हूँ। ये मैंने 38 इंच ली है 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। 4 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको लेनी है 35 इंच, और आपको 3 नंबर के कान्हा जी के लिए लेनी है फ्रेंड्स 33 इंच लेनी है आपको। और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए जो है वो 30 इंच इनफ रहेगी। और 1 इंच के कान्हा जी के लिए आप 28 इंच ले लीजिएगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, तो 6 नंबर के कान्हा जी के लिए आप ले लीजिएगा 42 इंच, 7 इंच के कान्हा जी के लिए 45 इंच। तो यानी कि ऐसे आपको 3 या 4 इंच जो है वो इंक्रीज करते जाना है और डिक्रीज करते जाना है। तो ऐसे आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए इसको ईजिली बना सकते हैं। और ये जब मैंने रेडी कर लिया, तो फ्रेंड्स तो ये देखिए, पेपर पेस्टिंग आती है मार्केट में, तो ये मैंने सेम कट करी, ताकि हमारी ड्रेस को एक हार्ड बिल्कुल मार्केट जैसा लुक मिले। तो मैंने इसके जितनी ही इसको भी कट कर ली, और इसको भी ये देखिए नीचे से यहाँ से पेस्ट कर ली। और इसको ये ध्यान रखना है, ये जो देखिए जो शाइनिंग वाला जो वो होता है पार्ट, वो आपको ऊपर रखना है, ताकि जब आप इसको, ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ये जो है हमारा शाइनिंग वाला पार्ट जो है वो ये नीचे की साइड चला जाएगा, और ये हमारे धागे वगैरह जो है वो सारे इसके नीचे छुप जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा। और इसके ऊपर जो आप इसको ऐसे रख के
और फिर इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल एकदम इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो ऐसे आपको इसको प्रेस कर लेना है फ्रेंड्स, और प्रेस करने के बाद ये इजीली बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा तो इस तरीके से। और जब ये पेस्ट हो जाएगा तो ये देखिए जो इसका मिडल है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये वाली लेस, ये देखिए ये वाली लेस, और एक ये गोल्डन लेस है मेरे पास, ये देखिए फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स ये लेस जो है वो आप मुझसे परचेज भी कर सकते हैं, तो मैं अपना नंबर जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये मीटर्स में भी मिल जाएगी और पूरा बंडल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये मैं कैसे लगाऊंगी फ्रेंड्स, ये देखिए पहले मैं इस वाली को लगाऊंगी पर्पल को और फिर ये गोल्डन इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इनको ऐसे मिडल में लगाऊंगी क्योंकि हमारा राधे राधे का नाम का कपड़ा है तो मैं नीचे नहीं लगाऊंगी वरना ये सारा छुप जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी ऐसे और बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। तो पहले हम पेस्ट कर लेंगे फिर उसके बाद ये लेस जो है ऐसे बीच में स्टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बीच में से जोड़कर और पीछे पेपर पेस्टिंग लगाकर और फिर ये देखिए फ्रेंड्स पहले ये वाली लेस लगाई फिर मैंने गोल्डन वाली और फिर उसके ऊपर एक बार मैंने और ये लगा दी। तो देखिए कितना प्यारा बॉर्डर जो है वो बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और आप ये कह नहीं सकते हैं कि दो लेसेस को जोड़कर हमने ये बॉर्डर बनाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको दोनों साइड से जो है अंदर की साइड फोल्ड भी कर दिया है। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो इसको टिश्यू रिबन से भी लॉक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम इस तरीके से कि जैसे हम नॉर्मल ड्रेस में प्लेट्स डालते हैं, हमें इस तरीके से प्लेट्स डालनी है और अपने कान्हाजी की कमर के अकॉर्डिंग जो है हमें इनको सेट करना है। तो इस तरीके से हम ऐसे प्लेट्स डालते जाएंगे इसमें, और जिस भी साइज़ के आप कान्हाजी की बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी कमर के अकॉर्डिंग जो है वो ऊपर से प्लेट्स आनी चाहिए। तो ऐसे जो है हम यहाँ पर प्लेट्स डालते जाते हैं। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने प्लेट्स डाल ली हैं और ये देखिए हमारा सर्कल बनकर तैयार है। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी जो है वो है ड्रेस लग रही है हमारी, नीचे राधे राधे ऊपर ये लेस। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कमर जो है फ्रेंड्स, मेरी आई है 5 इंच तो मुझे 5 इंच ही चाहिए थी। तो जितनी हमारे ठाकुर जी की कमर होती है मैं उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि नीचे जैसे ठाकुर जी को हम पैंटी वेयर कराते हैं तो फिर उसके ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही चाहिए होती है फिर उसके ऊपर से, वरना अगर आप बिल्कुल सेम साइज़ रखेंगे तो वो ईजिली आएगी नहीं। तो जैसे 4.5 इंच मेरे ठाकुर जी की कमर है तो मैंने ये 5 इंच रखी है। और अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा भी हो जाती है तो हम इसके अंदर हम इसको नेफे वाली बनाएंगे तो आप उसको स्ट्रेच करके एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो देखिए पूरी 5 इंच आ रही है मेरी जो ये कमर है यहाँ पर। तो अगर आपकी छोटी बड़ी भी हो जाती है, अगर मतलब छोटी होगी तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम, अगर मतलब बड़ी हो जाती है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये हमारी 5 इंच आ रही थी तो मैंने 6.5 इंच की एक लंबी पट्टी कट कर ली और 2 इंच जो है चौड़ी ब्लू कलर में। और हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे डबल करेंगे और बैक साइड ले जाकर इस तरीके से हम यहाँ पर रखकर इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से फ्रंट पर लेकर आएंगे ऐसे। और फिर हम क्योंकि हमने डबल लिया है तो हमें इसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं, और इसके अंदर हम डालेंगे अपनी ये वाली डोरी। तो हम इसको पहले इस तरीके से इसके अंदर डाल लेंगे और फिर स्टिच करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि डोरी जो है वो स्टिच ना हो ताकि इससे ही फिर ये देखिए ऐसे खींचेगी ये, तो आप कमर को अच्छे से एडजस्ट करके टक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको नेफे को लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ पर जो है नेफा लगा लिया है और ये देखिए इसमें डोरी भी डाल दी है और ये देखिए ये खिंच रही है, यानी कि ये हमने हमारी सिली नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि आप देखिए जब कान्हा जी को पहनाएंगे और आपकी थोड़ी कमर भी बड़ी होगी तो आप इसको इस तरीके से खींच कर कमर को एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, इसको ऐसे हम लेंगे और हाफ का निशान लगा लेंगे इधर। ये देखिए मैंने लगा लिया यहाँ पर हाफ का निशान। और हमें लगानी है इसमें चोली। तो चोली बनाने के लिए देखिए मैंने अपना ये राधे राधे नाम वाला ही कपड़ा लिया और इसकी मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करके इसको फोल्ड कर लिया। ये देखिए मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके इसको स्टिच कर दिया और फिर इसके यहाँ पर मैंने ये वाली लेस लगा दी अपनी और इसको बीच में से कट कर लिया। इसकी लेंथ जो है मैंने 11 इंच लंबी ली थी फ्रेंड्स 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो और इस चोली का भी कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि ये भी एडजस्ट हो जाती है, हम इसको पीछे बैक में ले जाकर ये टग होती है। तो छोटी बड़ी का बड़ी होने पे इसका कोई इशू नहीं होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको मैंने फिर कट करके और यहाँ से इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा ली। अब हम इसको ऐसे करेंगे सीधा और इसको हम यहाँ मिडल में इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए ऐसे पीछे से थोड़ा सा हमारा नीचे की साइड जाना चाहिए ऐसे, और यहाँ पर जो है हम स्टिच कर देंगे इसको दो बार, तो ये हमारी चोली इस तरीके से इसमें लग जाएगी। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चोली लगा दी है ये देखिए, और इसको यहाँ से थोड़ा फोल्ड भी कर दिया है मैंने ऊपर से देखिए, ताकि धागे ना निकले। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर से भी थोड़ा सा यहाँ तक जो है हाफ तक मैंने इधर भी स्टिच कर दिया है इसको पीछे से ड्रेस को। तो ये हमारा खुला पार्ट जो है वो हमें पीछे रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कान्हा जी को इसके अंदर से डालेंगे और ये हमारा जाएगा शोल्डर्स पर। तो ऐसे शोल्डर्स पर जाकर हम पीछे ऐसे क्रॉस कर देंगे इसको, और ऐसे हम इसको ड्रेस के अंदर दबा देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से टक कर देंगे रस्सी को इस तरीके से पीछे से डोरी को। तो क्या है कि ये हमारी ये देखिए आराम से खिंच जाएगी और आपके कान्हा जी को अच्छे से सेट हो जाएगी फ्रेंड्स, और इसकी फिटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए, और फिर बाद में आप इस रस्सी को इस तरीके से अंदर की साइड डाल दीजिएगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगी, और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी ड्रेस लगेगी हमारी राधे राधे नाम की कान्हा जी की, और वो पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर और खुश हो जाएंगे, क्योंकि राधे राधे नाम की ड्रेस है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।